ओम शांति, ओम शांति। देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ। आप सबको भी पूर्ण रूप से इस क्लास में कोई कितने भी मुझे गाली दे, कोई मेरे बारे में कितने भी नेगेटिव बोले, कोई कुछ भी मेरे प्रकृति के बारे में कोई तरह से मेरे बारे में गलत तो आरोप लगाए, फिर भी मुझे आत्मा का आनंद से नीचे आना है, ऐसे रहने का कोई संकल्प आपको है? सीखना है आप सबको? उठाओ हाथ, मुझे सीखना है। चुप चुप के मैं नहीं सिखाता हूँ, करने के लिए तैयार है तो ही सिखाता हूँ। ओके, देखो कैसा है, मैं आपको बताता हूँ। एक घर है, समझो एक घर है, एग्जाम्पल इधर एक दीवार डाल दिया। आप एक घर में रहते हैं, दूसरे घर भाड़े को देते हो, रेंट के लिए देते हो। जो घर रेंट में रहते हैं, आपके टेनेंट्स जो होता है, आपके आप ओनर होते हैं, जो रेंट होता है वो टेनेंट के घर में कोई कर्जदार जो पैसे उनसे उनका व्यवहार होता है, वो आकर के उनसे झगड़ा करता है, उनके बारे में कुछ बोलता है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम होता है? ओनर जो होता है कुछ प्रॉब्लम होता है? नहीं। क्यों? आप ही के घर में, आप ही ने रेंट दिया हुआ घर है, फिर भी उनके व्यवहार जो भी चलता है, उनके घर में आकर के कोई उसको कुछ ना कुछ उनको क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं या उनको गाली देते हैं, तो भी आपको कैसा लगता है? मेरे से कुछ भी उसका कनेक्शन नहीं, ऐसा लगता है? नहीं। इसी तरह इस शरीर में दो डिपार्टमेंट होता है। इस शरीर में कितने डिपार्टमेंट होता है? एक होता है होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट क्या है? में आत्मा। दूसरा होता है प्रकृति यानी शरीर। ये फॉरेन डिपार्टमेंट, ये आत्मा को, ये शरीर क्या है? पड़ोसी। ये आत्मा को, ये शरीर क्या है? पड़ोसी। अभी मेरे बात समझो, मुझे कोई भाई, अभी समझो शिव भाई आकर के मेरे को कुछ गाली देता है, तो मुझे कुछ भी अंदर टच नहीं होता, क्योंकि मैं अपने घर में रहता हूं और ये शरीर कौन है? पड़ोसी। मैं कैसा लेता हूं वो युक्ति आपको समझाता हूं। मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा आपको बाद में समझाता हूं। मैं आत्मा हूं, ये मंजुनाथ जो है मेरा पड़ोसी है, ये मंजुनाथ जो है कौन है? मेरा पड़ोसी है। तो मैं कौन हूं? आत्मा हूं। जो भी बोलते हैं मैं नहीं, मेरे नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा। कौन सी आत्मा? शुद्ध आत्मा। मैं नहीं, मेरे लिए नहीं, मुझे नहीं, मैं कौन हूं? शुद्ध आत्मा। ये सब किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? पड़ोसी। किसको बोल रहे हैं? पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब क्या है? आपके रेंट हाउस। आपके रेंट हाउस का मालिक कौन है? प्रकृति का नाम क्या भी हो सकता है, रीता हो सकता है, रानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मुझे नहीं बोल रहा है। आप क्या जागृति में आना है? आपके अंतर आत्मा के जागृति में आना है। अंतर आत्मा का जागृति का मतलब क्या है? कब कोई कुछ भी बोलता है तो आपको अंदर से जागृत हो जाना है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मुझे तो ये नहीं कह रहा है, मुझे तो ये नहीं बोल रहा है, ये जो भी बोल रहा है मेरे पड़ोसी को बोल रहा है, मेरे पड़ोसी मंजुनाथ को बोल रहा है, मेरे पड़ोसी आपका नाम आप याद कीजिए उसको बोल रहा है, मैं तो इससे क्या हूं? अलग हूं। कैसे? देखो आप सब ने सोना सुना है, सोने से क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? गहने बनाते हैं। गहने में क्या क्या बनाते हैं? अंगूठी बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? और बैंगल बनाते हैं, सब बनाते हैं। अभी सोने को
प्योर सोने से कुछ बनाया जाता है? प्योर सोने से बिना उसमें कुछ भी मिक्सचर ना हो उसमें कुछ गहना बना सकता है? नहीं, उसमें क्या मिलाते हैं? कॉपर, रागी या सिल्वर, कुछ ना कुछ मिलाते हैं। वो सब मिलाने से क्या होता है? गहने शेप लेता है। और आप आज आपके पास गोल्ड बैंगल है, कल उसको आप अंगूठी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आपके पास जो आज वो बैंगल है उसको ब्रेसलेट बना सकते हैं? बना सकते हैं। आपके पास जो ब्रेसलेट है उसको डॉलर बना सकते हैं? बना सकते हैं? बना सकते हैं। अभी ये सब भी बैंगल बने हैं, एक दिन अंगूठी बने हैं, दूसरा दिन और पीछे ये डॉलर बना है, तीसरे दिन ये सब बनते हुए भी आप उसको किस नजर से देखते हैं? देखो कितना परखने की शक्ति है सब में। वो सब अंगूठी से डॉलर बना, डॉलर से कीचेन बना, क्या क्या रूप लेने पर भी आप उसको किस नजर से देखते हैं? सोना। तो आप कौन हो? अभी शरीर है, ये शरीर भी क्या है? सब तत्वों से है। ये तत्वों में आत्मा भी एक तत्व स्वरूप है। आत्मा भी क्या है? तत्व स्वरूप, शुद्ध स्वरूप है। इसको सनातन स्वरूप कहते हैं। ये तत्वों के मिलावट में आत्मा आया है। इस आत्मा के तत्व स्वरूप से कनेक्शन होने पर भी आत्मा क्या है? ओरिजिनली, ओरिजिनली क्या है? शुद्ध है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये तत्व स्वरूप को भूल करके जैसे सोने का फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे किचन होता है, कैसे क्या ब्रेसलेट होता है, अंगूठी होता है, नेकलेस होता है, उसको सब फेजेस में देखते हुए हम सोना देखते हैं, ऐसे आत्मा जो है वो प्योरली शुद्ध है। वो शुद्ध आत्मा इस प्रकृति में आने के बाद हम उसको नाम रूप से फंस करके उस स्वरूप को इन्वॉल्व हो जाते हैं और अंदर आत्मा के जागृति स्वरूप को भूल जाते हैं। इस भट्टी में हम क्या करते हैं, आपको वो अंदर का जागृति का स्वरूप को बाहर लेने के प्रयोग करा देते हैं। सबको समझ में आ रहा है? अभी आपके पास गोल्ड का बैंगल है, उस बैंगल पर ब्लैक पेंट लगा देंगे, क्या उसका ओरिजिनलिटी समाप्त हो जाता है? नहीं होता। उसको देख करके हम वो बैंगल को पूरी रीति से पाउडर बनाते हैं या ट्विस्ट करते हैं, क्या उसका वैल्यू कम हो जाता है? नहीं। तो आत्मा तत्व स्वरूप है, उसको कभी भी कोई भी तरह से आत्मा का वैल्यू कम नहीं करा सकते। अच्छा, आप सबको मालूम है ये क्या है? ये क्या है? पानी। ये पानी कैसे बना है? दो तत्व से बना। कौन सा तत्व? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सुनो, आपको बताते हैं एग्जाम्पल। दो ग्लास पानी है, पानी को क्या कहते हैं? H2O कहते हैं, H2O कहते हैं। ये पानी बना है टू तत्व से, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अभी दो ग्लास पानी में एक ग्लास पानी शुद्ध पानी, दूसरा ग्लास पानी नाले की पानी, गटर की पानी, दोनों लेके आ गए। अभी आप देखे तो आप उसको किस नजर से देखते हो? एक ग्लास में कौन सा पानी है? प्योर वाटर। दूसरे ग्लास में कौन सा वाटर? गटर वाटर। एक ऑर्डिनरी मनुष्य देखने का दृष्टि। इसे पानी को आप एक साइंटिस्ट के पास रखे तो वो किस नजर से देखेगा पानी को? किस नजर से देखेगा? विज्ञान, विज्ञानी, साइंटिस्ट जो प्रयोग करते हैं ना, उसके सामने आप शुद्ध पानी और गटर पानी को रखे तो किस दृष्टि से उसको देखेगा? दोनों को भी, दोनों को भी समान देखेगा या नहीं? क्यों? वो गटर पानी को वापिस उसके स्टेज पर ला सकते हैं? नहीं।